हमने मंगवाया है इधर रूम ब्रेकफास्ट, और मैं इसको आपको खोल के दिखाती हूँ कि अभी हमने क्या ऑर्डर किया है। सो यम वली, कितना टेस्टी टेस्टी लग रहा है। तो चले, सुबह हो गई है, इसको भी हम खाते हैं और अब हम निकल रहे हैं। मैम, हम उसके जाने की तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, तो फिर आपको साथ साथ मिलते हैं। खाने की ट्रे रख देते हैं बाहर और ये लॉन्ड्री करने आ गए हैं। इनको कहते हैं हमारा रूम जल्दी जल्दी क्लीन कर दें। तो चले चलते हैं अब सेकंड। अब ये रूम सर्विस वाले आए हुए हैं, जगह जगह हमने बोला हमारा भी रूम पीछे से क्लीन कर दें। सारी जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें थी हम साथ लेके जा रहे हैं और यहाँ से बैठते हैं लिफ्ट में। ये अंदर क्या है मैंने वापस आ गया, मैं आपको दिखाऊंगी। और हम अपने लुक तो दिखा रहे, कुछ इस तरह रेडी हुए हैं हम, और बेबी एज यूजुअल मेरी गोद में है। तो यस, और ये हम लिफ्ट का लिफ्ट पे चलते हैं नीचे। बैक साइड से चले। ओके, लेट्स गो आउट। हम बैक एंट्रेंस से जा रहे हैं और ये कुछ इस तरह हमारा होटल है। ये अभी वो बंद है रेस्टोरेंट वगैरह, और ये सिटिंग वगैरह भी दिया हुआ है। बहुत अच्छा होटल है, ज़बरदस्त किस्म का। तो चलें गाड़ी में बैठते हैं। ये हमारी दूसरी फैमिली का होटल है, बिकॉज़ ये सारा फुल हो गया था, पार्किंग है उनका। और ये वाला हमारा है, हम ये बैक साइड से आए हैं। फ्रंट कल दिखाइए मैंने आपको पिछली वीडियो में। और वो गाड़ी में सामान शामान रखते हैं और अपनी फैमिली दूसरी का वेट करते हैं और फिर अपना सफ़र अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। गर्मी इस वक्त लिटरली बहुत ज़्यादा है, आपको मेरे फेस से पता चल ही रहा होगा। धूप बहुत शदीद पड़ी है इस वक्त, तो बैफ सुना है, ठंड है, बारिश होनी है, तो इसलिए हम थोड़ा। ये देखिए अभी हम घर से निकले हैं, तो ये कितना प्यारा पॉन्ड टाइप बना हुआ है, इतना अच्छा ग्रीनरी, पीछे फ्रेश पानी बहुत फ्रेश है, और ये ग्रीनरी भी बहुत अच्छी लग रही है भाई, तो पीछे पीछे ना इसके। मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी अपडेट करती हूँ कि हम इस वक्त गाड़ी में क्या कर रहे हैं। मैं वली को साथ साथ दूध पिला रही हूँ और पीछे वो भी फैमिली बैठी हुई है, सबको कैमरा में नहीं आना होता, तो इसलिए साथ साथ मैंने कहा ये देखिए कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत ग्रीनरी आ रही है। और ये अब कुछ माउंटेन जाना शुरू हो गए, हल्के हल्के रॉकी माउंटेन्स थे। ये है वाइल्ड लाइफ की क्रॉसिंग के लिए, ये उनको डिस्टर्बेंस ना हो सड़क की वजह से। ये नया बन रहा है, अभी आगे और भी आएंगे, उनमें दरख्त भी लगे हुए हैं सारे, सिर्फ जंगल ही है। लिटरली अब तो इस तरह का हो गया कि बिल्कुल पाकिस्तान, मुझे तो बाकियों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे तो लिटरली पाकिस्तान याद आना शुरू हो गया। ये वाले पहाड़ देख के ना तो वो नारान साइड की फील आ रही है, बट ऑब्वियसली पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है माउंटेन्स पे, बट यहाँ। मीनवाइल अभी हमने इधर एक स्टॉप किया है और ये देखें, मैंने कहा मैं अपने यूट्यूब फैमिली को भी ये दिखाती हूँ व्यू। कहते हैं अभी जहाँ हम जा रहे हैं ये वहाँ का 1% है, तो धूप तो बहुत तेज़ है वैसे, लेकिन ये देखिए पीछे भी माउंटेन्स हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की याद आ गया इससे मुझे। तो एनीवेज यहाँ पे रुक के हम भी अच्छी अच्छी पिक्चर्स लेते हैं और फिर आगे अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलते चलते मुझे एकदम से याद आया कि मैं तो वली का फॉर्मूला घर पे छोड़ आई हूँ। ये शॉपर ड्रग मार्ट रुके हैं, जल्दी से इसका फॉर्मूला पिक करते हैं और निकलते हैं। जी हम बैंक एंटर हो चुके हैं और गाड़ियाँ पीछे हमने पार्क की हैं। फिर मैंने आपको बोर्ड दिखाया ना, ये है ट्रैक, यहाँ से बस छोटा सा ट्रैक है मेरे ख्याल से, उन्होंने बताया भी, तो यहाँ से ट्रैक करके फिर आगे हम जा रहे हैं बैंक डाउन टाउन। और ये देखिए मीनवाइल साथ साथ एकदम से जी बारिश भी नहीं होगी, अभी प्रे के ज़्यादा बारिश ना हो, लेकिन आज के स्केड्यूल में है जी कि बारिश नहीं होना ही होना है, तो देखते हैं आगे जाके क्या बनता है। फिलहाल तो अभी अभी हम आए हैं, अभी हम नीचे डाउन टाउन जा रहे हैं बैंक के, और मौसम बहुत अच्छा है, चिली सा हो रहा है, अरे सॉरी चिली नहीं हो रहा, गुड है, अच्छा मौसम है, हाफ स्लीव में भी गुजारा हो रहा है हमारा। तो बस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और साथ साथ आपको वीडियो दिखा रहे हैं कि आप इंजॉय करें मेरे साथ। और ये देखें यहाँ पे ये था मार्ट IFG, ये इधर ग्रोसरी स्टोर है, और इसका कसम से व्यू देखें पीछे इतना खूबसूरत है ना, बंदा खुद रोज़ ग्रोसरी करने आ जाए, माउंटेन है एक साइड पे और यहाँ पे ग्रोसरी स्टोर है, कमाल है। और ये देखिए बारिश मुसलसल होती जा रही है, लेकिन ठीक है इतनी बर्दाश्त हो रही है। और ये अगेन यहाँ पे आप बाइसाइकिल्स को भी रेंट कर सकते हो और जगह जगह इनके रेंटल्स ऐसे बदल स्टॉप्स। और ये डाउन टाउन हम एंटर हो गए हैं बैंफ के अब, और ये देखें जी इतना प्यारा लग रहा है ना, दिल करे यहीं पे रह जाए। लेकिन हम जो है ना कैलगरी से आए हैं,
तो हमारी 1.5 आवर की ड्राइव है यहाँ पे आने के लिए, तो विच वॉज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी ड्राइव गई है। हम चलते 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 थक गए, तो बस हम टिम हॉर्टन्स लेते हैं, छोटा सा ब्रेक, बच्चों के डायपर्स वगैरह भी चेंज करते हैं और फिर आगे देखते हैं, कॉफ़ी वगैरह भी पीते हैं। अभी बस इधर डाउन टाउन में वॉक अराउंड करें, अब सोचे एक लेक है वहाँ चलते हैं और साथ साथ पहले जल्दी से लंच कर लेते हैं, पिज्ज़ा वगैरह का प्लान बन रहा है, तो लंच करते हैं और फिर चलते हैं और रात को फिर इधर दोबारा आएंगे। यहाँ पे आके रुक नहीं सकते, लिटरली इतनी वेराइटी होती है ना चॉकलेट्स की, फिर बंदे का वेट ना इसी तरह यहाँ पर बढ़ जाता है इस तरह की जगहों पर, क्योंकि देखिए किस किस टाइप की चॉकलेट्स हैं। और ये तो मेरी फेवरेट है ना, जेलीज वगैरह भी इतना कुछ पड़ा हुआ है। तो ये सभी हमने खाना शाना ऑर्डर दिया हुआ, तो हम वैसे ही रूम अराउंड कर रहे थे पंप पे। हम यहाँ रुके हैं, ये पोपाइस खाने, उधर काफ़ी रश है, तो हम लोग ये अपनी सिटिंग भूल ली हमने, और बस अभी वो लोग बिलिंग शिलिंग करा के जब लेके आते ना, तो फिर हम यहाँ पे अंदर फार्मेसी है, बहुत मज़े की चीज़ें लग रही हैं, तो यहाँ पर रूम अराउंड करते हैं। चले जी, पोपाइस तो आ गया, खा के आपको बाहर मिलते हैं। फाइनली हुआ वो ही है, फुल तेज़ बारिश की वो भी, वो ब्रिज से आए तो यहाँ पे एक ये हट सा बना हुआ है, हम यहाँ पे भी आके शेल्टर ले रहे हैं, अब जैसे ही बारिश रुकती है ना तो फिर हम यहाँ से निकलते हैं और आगे अपना ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं। दुआ करें कि ज़्यादा देर तक बारिश ना हो, 7-8 बजे तक दिखा रही है लेकिन होपफुली ये बंद हो जाएगी, तो फिर हम निकलते हैं। ये ना आर्ट गैलरी टाइप बनी हुई है, लिटरली हम पीछे वो प्राइसेस देख रहे थे तो वो $1650 की मिल रही है लिटरली वो पेंटिंग, और कुछ $1000 की हैं, कुछ $2000 की हैं, और ये वाली तो बहुत ही प्यारी लग रही है ना मुझे। ये कोई एक ऐसी शॉप नहीं है, हज़ारों लिटरली यहाँ पे शॉप्स हैं, बंदा क्या क्या वीडियो में कैप्चर करे, वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी, तो मैंने कहा ये मैं आपको छोटे छोटे एंटीक पीसेस दिखाऊँ। इसकी बेस्ट पार्ट पता क्या था कि ये कलर वाइज पड़ी थी, पर ये देखिए ये पिंक आ गया और इसके साथ ये सारा पर्पल में पड़ा हुआ था, और बाकी पीछे वो ब्लैक में था, वो काफ़ी कुछ में करने की, ये देखिए ये सारा ग्रीनिश टाइप में बना हुआ था। चलें जी, बैंफ हमने सारा फिर लिया, अब वॉशरूम वगैरह से होते हैं फ्री सारे और फिर गाड़ी में निकलते हैं, बिकॉज़ अभी फिर हमारी 2 घंटे की वापसी की भी ड्राइव है। हमने वापस जा रहे थे, उधर पीछे लिखा हुआ था लेक ब्यूटी, तो हमने कहा हम भी आके लेक ब्यूटी को एक्सप्लोर करें, और मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊँ कि ये कितना प्यारी है, सारा है बैंफ ही, ठीक है बैंफ से ये पूरा मतलब अभी आगे भी वो कह रहे हैं, ऊपर भी एक और भी जगह है जहाँ से पूरा आपको बैंफ नजर आएगा, वो भी वहाँ भी हम जाते हैं और मैं आपको वो भी जगह ज़रूर दिखाऊँगी, पहले इसका मज़ा ले लें कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है इस वक्त, लिटरली दिल कर रहा है यहीं पे खड़े होकर ना बस इस जगह को देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियाँ की शान, देखें कि कहाँ कहाँ पहाड़ और इस तरह जगह बना लेते हैं लोग, एंड यस इट्स ब्यूटिफुल। ये है जी वो पॉइंट जहाँ से पूरा बैंफ नज़र आ रहा है, वो नीचे ब्रिज है, लोग आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा, हम वहीं से आए हैं अभी। अभी जी हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के होटल में और वहाँ पे जाके हम लोग मिलकर खाएंगे डिनर, वो बाहर से जो हस्बैंड अपना मेरे भी और उनके तो वो ले आए हैं बाहर से, अब मिल के बैठ के रूम में खाएँगे और उसके बाद हम वापस अपने रूम होटल आ जाएंगे। बाय द वे मेरे होटल की बैक साइड है, तो वापस आके तो बस फिर अपना दिन का ख़त्म करेंगे। आपको व्लॉग अच्छा लगा हो
तो व्लॉग को लाइक करना है और बैफ की स्टोरीज आपको कैसी लग रही हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।